ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। आज माननीय अदालत में आरोपी दीपक को अदालत में पेश किया गया, जिसे माननीय अदालत से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे आरोपी से लूटे छीने हुए डॉलर और मोबाइल्स वगैरह सब बरामद करने, अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी हासिल करनी। ये कि रशियन लेडी थी जिसकी इसके साथ व्हाट्सएप चैट से इनसे इसकी पहचान हुई और इसको यहाँ इंडिया में 18 तारीख को शादी करने के लिए बुलाया और उसके बाद दीपक ने 18 से 21 तक पंचकुला में होटल में रखा, उसके बाद में 21 से 24 तक जीरकपुर में होटल में रखा, उसके बाद में उसको यहाँ प्राइवेट टैक्सी से यमुनानगर में लेकर आया, उसके साथ अपने एक साथी को लाया मोटरसाइकिल के ऊपर और फिर उसके पास से $14,606 और उसका मोबाइल छीन के उसको अकेले यहीं यमुनानगर में छोड़ के चला गया। तो एम्बेसी में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस एक्शन? हाँ, महिला थाने में लाया गया, उसके बाद में उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण उसको एम्बेसी से संपर्क किया गया और एम्बेसी में ले जा करके उसकी तरफ से कंप्लेन लेके मामला दर्ज करके कल आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो आज अदालत में पेश किया गया है। डॉलर भी ले लिए और छोड़ के उसको भाग गए। सर, मकसद एक्चुअली मेरे को एक जल्दी प्रॉब्लम ले आ गई, दिमाग में ये आ गया कि शादी करनी पड़ेगी, ऐसे उसकी वजह से मैं थोड़ा डर गया और घबरा गया। Please subscribe our channel for more updates. You can follow us Twitter and Facebook.